तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। भारत समेत दुनिया भर के 190 से ज्यादा देश कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हुए हैं। दुनिया में अब तक 22 करोड़ 90 लाख से अधिक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 46 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में कोरोना के मामले अब घट रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। दिल्ली के 11 सरकारी अस्पतालों में भी एक भी कोरोना मरीज भर्ती नहीं है। इसमें गुरु तेग बहादुर अस्पताल, सफदरगंज अस्पताल और हिंदूराव जैसे बड़े अस्पताल भी शामिल है। देश में रिकॉर्ड कोरोना वैक्सीनेशन के बीच कोरोना के घटते मामले महामारी से राहत के संकेत दे रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में आए नए मामलों में 6 महीने में सबसे बड़ी कमी देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 201 दिन बाद पहली बार कोरोना के नए मामले की संख्या 20,000 से सामने आई है। पिछले 24 घंटों में 18,795 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि इसी दौरान कोविड महामारी की चपेट में आए 179 मरीजों की मौत हुई है। देश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस भी 3 लाख से नीचे है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,36,97,581 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,92,206 रह गई है, जो 192 दिनों में कम है। पिछले 24 घंटों में उपराजधानी मरीजों की संख्या में कुल 7,414 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.81% है।